कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आधिकारिक समापन हो चुका है। 11 दिन में 5000 से ज्यादा एथलीट्स ने अलग अलग स्पर्धाओं में अपनी दावेदारी पेश की। बर्मिंघम में अलेक्जेंडर स्टेडियम में शानदार समापन समारोह का भी आयोजन किया गया था। राष्ट्रमंडल खेलों का झंडा विक्टोरिया के गवर्नर को भेंट किया गया, जिसके बाद सभी खिलाड़ी अपने अपने घरों को वापस भी लौट चुके हैं। लेकिन पहले श्रीलंका और अब उसके बाद पाकिस्तान के ऐसे दो बॉक्सर्स हैं जिनका कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है, वो लापता हो गए हैं। जी, बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन के बाद से दो पाकिस्तानी मुक्केबाज लापता हैं। राष्ट्रीय महासंघ ने बुधवार को ये जानकारी दी। पाकिस्तान बॉक्सिंग महासंघ की तरफ से पाकिस्तानी मुक्केबाजों के गायब होने की पुष्टि की गई। कहा गया है कि सुलेमान बलूच और नजीरुल्लाह टीम के इस्लामाबाद रवाना होने से कुछ घंटे पहले ही गायब हो गए। सोमवार को बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हुआ और जैसे ही खिलाड़ियों के लौटने का समय आया, उस समय बॉक्सर अपने कमरों में नहीं पाए गए। फेडरेशन के पास है खिलाड़ियों के पासपोर्ट। फेडरेशन के अधिकारी तंग ने कहा, उनके पासपोर्ट सहित सफर करने के दस्तावेज अभी भी फेडरेशन के अधिकारियों के पास हैं जो बॉक्सिंग टीम के साथ खेलों में गए थे। टीम प्रबंधन ने ब्रिटेन में पाकिस्तान उच्चायोग और लंदन में संबंधित अधिकारियों को सुलेमान और नजीरुल्लाह के लापता होने के बारे में सूचित कर दिया है। पाकिस्तान कॉमनवेल्थ की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कोई भी मेडल नहीं जीत पाया। हालांकि पाकिस्तान ने वेट लिफ्टिंग और जेवलिन थ्रो में 2 गोल्ड समेत 8 मेडल इन गेम्स में जीते हैं। लापता खिलाड़ियों की तलाश में जुटी पुलिस। पाकिस्तान ओलंपिक संघ ने लापता मुक्केबाजों के मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पाकिस्तान बॉक्सर्स के लापता होने की घटना राष्ट्रीय तैराक फैजान अकबर के हंगेरी में फिना वर्ल्ड चैंपियनशिप से गायब होने के 2 महीने बाद हुई है। हालांकि अकबर ने चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा तक पेश नहीं की और बुडापेस्ट पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद अपने पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के साथ वो गायब हो गए थे। जून के बाद से अकबर का कहीं कोई पता नहीं चल सका है। ये इंसिडेंट्स वाकई हैरान करने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ जो ये खिलाड़ी अपने देश लौटने से पहले ही गायब हो गए? क्या पाकिस्तान की जिंदगी से बाहर आना चाहते हैं मुक्केबाज, इसलिए गायब हो गए? या फिर क्या ऐसा हुआ जो बिना पासपोर्ट लिए ही उन्हें गायब होना पड़ा है? आपको बता दें, पाकिस्तानी मुक्केबाजों से पहले श्रीलंका के खिलाड़ी आर्थिक संकट से परेशान होकर बर्मिंघम में लापता हो गए थे। सबसे पहले श्रीलंका के जूडो खिलाड़ी चमिला डिलानी, उनकी मैनेजर एसेला डी सिल्वा और रेसलर शनिथ बर्मिंघम में लापता हुई। फिर एक एक कर 7 खिलाड़ी गायब हो गए, जिससे श्रीलंकाई दल की परेशानी बढ़ गई। इन सभी खिलाड़ियों के पासपोर्ट आधिकारिक दल के पास ही है। फेडरेशन के अधिकारियों का कहना है कि खिलाड़ी बर्मिंघम में नौकरी करने के इरादे से रुके हैं, उनके पास 6 महीने का वीजा है। मतलब साफ है कि श्रीलंका में क्योंकि आर्थिक संकट आया हुआ है, जिसके अभी हाल फिलहाल में कुछ महीनों तक ठीक होने के आसार बिल्कुल नहीं है। शायद इसीलिए श्रीलंका के खिलाड़ी बर्मिंघम में रुककर अपने लिए कुछ कमाकर यहां से जाना चाहते हों। उसके बाद पाकिस्तान की ये 2 मुक्केबाज, क्या वो भी पाकिस्तान के हालात से परेशान होकर यहां बर्मिंघम में रुकने के लिए ही गायब हुए हैं? फिलहाल ये तो जांच का विषय है। मामले की तेजी से जांच की जा रही है, लेकिन अगर इन खिलाड़ियों के मिलने के बाद वजह यही रही जिसका हम अंदाजा लगा रहे हैं, तो ज्यादा अचंभित करने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि चीन ने इन देशों को किसी लायक नहीं छोड़ा है। कर्ज के बोझ तले इतना दबा दिया है कि इन दोनों ही देशों की हालत खराब है। बस श्रीलंका की आर्थिक तौर पर खराब हुई हालत की तस्वीरों को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है, तो वहीं पाकिस्तान की हालत तो पिछले काफी लंबे अरसे से खराब है। वैसे बर्मिंघम से खिलाड़ियों के गायब होने पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।